तो फ्रेंड्स, अब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हम दाखिल हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज डीआई खान की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और जो दोस्त बखर में रहते हैं उनको तो पता है, जो आउट ऑफ बखर रहते हैं तो वो जाते हैं कोटला जाम से, वहाँ से सफ़र काफ़ी लंबा पड़ता है, और यहाँ से हम दाजल की तरफ से जाएँ ना, मतलब है कि शॉर्टकट से, तो ये जो छोटे शहर हैं सियाल बस्ती हो गई, शानी, इनके इन रास्ते से जाएं तो सफ़र काफ़ी कम पड़ता है। तो आज उसी तरफ जाएंगे, और आपने वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल मिस्टर वेला ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आज की वीडियो भी बहुत मज़े की बनेगी, फ़न करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात है ना अहमद? यस सर, चलें फिर। तो फ्रेंड, अभी हम बाइक पर हैं, ठीक है, और काफ़ी ऐसे रफ्तार से जा रहे हैं, बाइक मैं चला रहा हूँ, मलिक अहमद पीछे बैठा हुआ है, तो अभी मलिक अहमद को भी बाइक देंगे इंशाल्लाह। इधर देख रहे हैं यार, मैं तो सोचा भाई कुछ पीछे भुगा के आ गया हूँ यार, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम बस दादर के करीब ही हैं, और बस अब 5-7 मिनट का सफ़र है ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड, अब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हम दाखिल हो चुके हैं, और डीआई खान की तरफ सफ़र है हमारा, जो पहला शहर है, यहाँ से ज़िला बखर की तरफ अगर जाए ना तो डीआई खान पहला शहर है केपीके का। अहमद, ऐसी बात है ना, अब आगे का इंशाल्लाह व्लॉग बनाते हैं, चले फिर आगे। आप तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये पीछे जो रास्ता देख सकते हैं ये भी एक शॉर्टकट है, हम तो कुरेशी मोड़ की तरफ जा रहे हैं ना, कुरेशी मोड़ से आगे डीआई खान 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से बनता है, या 10-12 इतना ही बनता है, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। तो अब उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप बस अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं, तो आप नेट पर चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।